हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेकिशास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मोठ नमकीन। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है। यहाँ मैंने ली है काली मसूर की दाल साबत वाली। इसे मैंने पानी में 10 घंटे भिगो दिया था और भिगोने से पहले दो बार पानी से धो लिया था। अगर हमें इसे जल्दी बनाना है, ज़्यादा देर नहीं भिगोना, तो इसमें मीठा सोडा डाल के भी भिगो सकते हैं। उसके लिए इसमें आधी चम्मच मीठा सोडा डालें। दाल को मैंने यहाँ पर एक बार फिर से अच्छी तरह से धोकर कपड़े पर फरेरा कर दिया है। इसे हमें आधे घंटे के लिए फरेरा करने के लिए छोड़ना है ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। यहाँ हमने कुछ काजू बादाम काट कर ले लिए हैं। इसे हम तेल में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। काजू बादाम को हमें हल्के गरम तेल में ही फ्राई करना है। यहाँ हमारे काजू बादाम हल्के से फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। अब अपने ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद में हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। दाल को कढ़ाई में डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो हाई हो और गैस की फ्लेम भी हाई हो। अगर हमारा यहाँ तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो हमारी जो दाल है वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। इसे अब निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दोबारा से दाल फ्राई करने से पहले हमें अपने तेल का टेम्परेचर चेक कर लेना है। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए तेल का। मैं इसे यहाँ चलनी में डालकर सेक रही हूँ। आप डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, पर चलनी में डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसे निकालने में दिक्कत नहीं होती। लीजिए, हमारा ये बैच भी तैयार हो गया सेककर। अब इसे हम डालते हैं टिश्यू पेपर पर ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें मिलाते हैं अपने और चीज़ें। यहाँ मैं डालने जा रही हूँ बारीक नमकीन, और मेरे पास कुछ नमक पारी छोटे छोटे मैंने बनाकर रखे हैं, वो भी इसमें मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो ना डालें। सब सामान को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालते हैं इसमें अपने मसाले। यहाँ मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। एक चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काला नमक और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालें। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे आप मिक्स करके एयर टाइट जार में भर लें। ये काफ़ी लंबे समय तक आपका स्टोर रह सकता है। नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।